बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को इस हफ्ते हमने अपने कई फैशन लुक्स को फ्लॉन्ट करते हुए देखा। रणवीर सिंह वीकेंड पर सभी को फिटनेस मोटिवेशन भी देते नजर आए। वहां पर भी उन्होंने अपना एक अलग ही रूप दिखाया। जितने एक्सपेरिमेंटल रणवीर सिंह अपने फैशन लुक्स के साथ है, उतने ही एक्सपेरिमेंटल वो अपनी मूवीज और अपने कैरेक्टर्स के साथ भी है। रणवीर सिंह ने हमें कई टाइम से अलग अलग कैरेक्टर्स और अलग अलग मूवीज के साथ एंटरटेन किया है और वो कुछ भी नया ट्राई करने से बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं। एक बार फिर से रणवीर ऐसा ही कुछ नया करने वाले हैं। रणवीर सिंह अपना जल्द ही टेलीविजन डेब्यू करने वाले हैं कलर्स के क्विज शो द बिग पिक्चर के साथ। जी हाँ, रणवीर सिंह इसके एक टीजर की शूटिंग भी कर चुके हैं। इसमें रणवीर सिंह एक क्विज पूछते नजर आएंगे जो कि विजुअल मेमोरी पर बेस्ड होगी। जो कंटेस्टेंट्स होंगे उन्हें 12 क्वेश्चंस पार करने होंगे प्राइज मनी जीतने के लिए और कंटेस्टेंट्स को 3 लाइफलाइंस दी जाएगी। ये एक नए जनरेशन का क्विज शो होगा। रणवीर सिंह इसे लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है। उनका कहना है कि उन्हें इंडियन सिनेमा में काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली कुछ अलग करने की, कुछ एक्सप्लोर करने की, लेकिन अब वो टीवी पर आना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि ऑडियंस के साथ डायरेक्ट इंटरैक्ट करना कैसा लगता है। रणवीर इसे लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है। वो अपने डेब्यू को लेकर काफी ज्यादा खुश है और काफी जल्दी वो इस पर काम करना भी स्टार्ट करने वाले हैं। अगर सोर्सेस की माने तो रणवीर सिंह का ये क्विज रियलिटी शो द बिग पिक्चर कलर्स पर अगस्त से ऑन एयर जा सकता है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि रणवीर सिंह की कई मूवीज लाइंड अप है। थिएटर्स बंद है लेकिन रणवीर सिंह की फिल्म्स के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म्स ओटीटी पर आती है या नहीं आती ये तो वक्त ही बता पाएगा। अगर बात करें रणवीर की मच अवेटेड फिल्मों की तो सबसे पहले इसमें नाम आता है 83 का, जिसमें रणवीर सिंह को कपिल देव के रोल में देखा जाएगा। इसके अलावा रोहित शेट्टी की फिल्म सर्कस और रणवीर सिंह की एक और फिल्म जयेश भाई जोरदार का नाम भी इसमें शामिल है।